नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर सारण तटबंध कल भी कई जगहों से टूट गया था, जिसके बाद गंडक नदी का पानी शनिवार की देर शाम ही पानापुर में प्रवेश करना शुरू कर दिया था, जो रविवार की दोपहर तक प्रखंड के बेलौर, सतजोड़ा एवं टोठा जगतपुर पंचायत को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया है। आसन खतरे को देखते हुए ग्रामीण पूर्व में ही पलायन कर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। एनडीआरएफ की टीम भी लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुट गई है। प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 3 कंपनी एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी जगहों का दौरा कर व्यवस्था का निरीक्षण किया। वीरेंद्र आए, किस गांव से आ रहे हैं? प्रसादी दी और बाढ़ कब से आई है? परसों से। लगभग कितना पानी हुआ है आप लोगों के गाँव में? गाँव में घर में जब ढूक गया है तो ग्राम खजरी कहाँ कहाँ डूबल भाई? सब डूबल बा, धेनकी, डुबौली, मसौरा, बेलौ, सजोरा, हुआ है पूरा पानी पानी है उधर। कितना पानी है? पानी तो सबके घर में घुसा हुआ है, सबके घर में, कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जहाँ पानी है। तो ये फर्स्ट बार आप लोग इनसे से आए हैं कि और लोग भी आ चुके हैं? और लोग भी आए हैं और लोग भी आने वाले हैं। और लोग भी बाकी है, अब कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग और लोग आने वाले हैं। किस गाँव संचालन के लिए जो मानक संचालन प्रक्रिया बनी हुई है, मैं सवेरे 7 बजे से यहाँ पर हूँ, उसके अनुरूप सभी लोगों को पोस्टिंग शिफ्ट दिया गया है ताकि ऊंचे स्थान पर वो अपना आवास बनाकर रह सके। सभी लोगों को दिन का भोजन दिया गया है, जिसमें चावल, दाल, सोयाबीन, बड़ी की सब्जी, आलू का चोखा दिया गया है। सब लोग खाना खा चुके हैं। जो महिलाएं हैं, अगर घर खाना ले जाना चाह रही हैं तो उनको भी उसके लिए खाना दे दिया गया है। दिन का खाना सब लोग खा चुके हैं। चूँकि उस स्थान पर पानी फिर आने की संभावना है, तो हम लोगों ने दूसरे स्थान का फिर चयन कर लिया है, जहाँ पर आज रात से खाना, ये लखनपुर चौक है ना, लखनपुर चौक है, जहाँ रात से रात्रि भोजन लोगों को दिया जाएगा। अभी तो हम लोग तत्पर है, सवेरे 7 बजे से मैं स्वयं हूँ, BDO हैं, CO हैं, PGRO हैं, थाना अध्यक्ष हैं, सभी लोग इस काम में लगे हैं। रेस्क्यू में कितने लोग निकाले जा चुके हैं अभी? ये लगातार काम चल रहा है और अभी तक जो हम लोगों ने गिनती की है कि लगभग 350-400 लोग निकल करके आए हैं, तो उतने लोगों को ही हम लोगों ने भोजन भी करवाया है और अभी ये सिलसिला चल रहा है। आज शाम तक ये क्लियर हो पाएगा कि कितने लोग और निकल करके आते हैं, तो जो भी निकल करके आएंगे उनको इसी लखनपुर चौक पर रात्रि भोजन और ठहरने का इंतजाम है। और कुछ लोग इसमें गोपालगंज से भी आ गए हैं, तो आ गए हैं।